नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए नए वर्ष 2023 में जो ग्रह परिवर्तन करेंगे उनका प्रभाव तुला राशि पर कैसा रहेगा, और उसके बाद आपको हम कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको करने से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और सफल बना सकते हैं। मित्रों हम टॉपिक पर ही बात करेंगे, जो बहुत ही जरूरी जरूरी है उन पर ही चर्चा करेंगे, आपका ज्यादा समय जाहिर नहीं करेंगे और ना ही अपना समय जाहिर करेंगे। तो सीधा टॉपिक पर आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि तुला राशि में कौन कौन से अक्षर आते हैं। तुला राशि हो या कोई भी राशि हो, हर राशि में 9 अक्षर होते हैं। तो तुला राशि की बात कर रहे हैं, तुला राशि में 9 अक्षर होते हैं। यदि उन 9 अक्षरों में से आपके नाम का पहला अक्षर मिलता जुलता है तो समझ लेना कि आपकी तुला राशि है। तो सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। रा, री, रू, रे, रो, ता, तो, तू और ते, ये 9 अक्षर तुला राशि में आते हैं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर इन 9 अक्षरों में से कोई सा भी मिलता है तो समझ लेना कि आपकी तुला राशि है। एक राशि 3 नक्षत्रों से बनती है। तुला राशि जो बनती है वो 3 नक्षत्र हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। इन 3 नक्षत्रों से तुला राशि बनती है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तुला राशि वायु तत्व की राशि होती है। तुला राशि के जो पैर होते हैं वो लोहे के होते हैं। तुला राशि वालों पर जो जीवन में सबसे ज्यादा ग्रह का प्रभाव होता है वो ग्रह हैं मंगल, बृहस्पति, शुक्र और राहु। सबसे ज्यादा इन 4 ग्रह का प्रभाव तुला राशि पर पड़ता है। तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए जीवन में जो सबसे ज्यादा अच्छे शुभ अंक माने जाते हैं वो 6 का जोड़ सही माना जाता है। जैसे कि 6 है, 6, 15 है, यानी 5, 1 और 5 जोड़ दो 6 बैठेंगे। 24 है, 2 और 4 जोड़ दो 6 बैठ जाएंगे। ऐसे ही 33 है, 42 है, 51 है, 60 है और 69 है। ये अंक तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं। तुला राशि के लिए सबसे ज्यादा जो शुभ कलर होता है वो आसमानी का होता है, यानी सफेद और नीला मिला जुला होना चाहिए। बाकी सफेद और नीला पहन सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। सफेद कलर के कपड़े या सफेद कलर की कोई भी गाड़ी वाहन घर में पुताई करानी है तो वो तुम्हारे सदाबहार रहेगी। लेकिन यदि आप शुभ कार्य कर रहे हैं, शुभ मंगल कार्य में जा रहे हैं, कुछ शुभ कार्य कर रहे हैं तो वहां आसमानी कलर का आपको कपड़ा पहनना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाएगा। तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए जो शुभ वार होते हैं, शुक्रवार, सोमवार और शनिवार, ये 3 दिन सप्ताह के तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन दिनों में कार्य यदि कोई करते हैं तो वो आपका सिद्ध होगा और सफल होगा। तुला राशि वालों को व्रत उपवास शुक्रवार के दिन करना चाहिए, शुक्रवार का उपवास करना ही शुभ माना जाता है। तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए जो शुभ दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है और अग्नि कौन होता है। तुला राशि वालों को जो जीवन में सफलताएं मिलती हैं वो किस किस आयु में मिलती है। या तो तुला राशि के जातक जातिकाओं को बहुत जल्दी सफलता 24 या 25 साल तक की आयु तक मिल जाती है। यदि ये चांस निकल जाता है तो फिर उनको 32 या 33वें साल में जाके मिल जाती है, और ये भी चांस निकल जाता है तो फिर 35 और 36 साल में जाके इनका आखिरी ये अंत होता है कि यदि इसमें सफल हो जाते हैं तो ठीक है, फिर इनका कोई चांस सफल होने का नहीं होता है, मिलता है। तुला राशि वालों को जो खुद के व्यापार करने चाहिए जिनमें आपको बहुत ज्यादा अपार सफलता या धन की प्राप्ति हो सकती है वो कुछ हटकर कार्य होते हैं तुला राशि वालों के लिए, जैसे शराब, लोहा, तमाकू, पान, सोना, ऐसे व्यवसाय यदि तुला राशि वाले करते हैं तो इनको अपार सफलताएं मिल जाती है। वैसे तुला राशि के जो जातक जातिकाओं के अंदर चरित्र व्यवहार पाए जाते हैं, ये पढ़े लिखे होकर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ज्यादातर गीत संगीत से जुड़े पाए जाते हैं। ये टैलेंटेड होते हैं, ये राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, पत्रकार होते हैं, सलाहकार होते हैं, तंत्र मंत्र सिद्धि साधना से जुड़े हुए होते हैं, राजनीति से जुड़े हुए होते हैं, या ये बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। इस क्षेत्र में ज्यादातर तुला राशि के जातक जातिकाएं देखने को मिलते हैं। तुला राशि के जातक जातिकाएं कम पढ़े लिखे होकर भी बुद्धि के तेज होते हैं,
दिल के साफ होते हैं, देखने में सुंदर पुष्ट और बलवान होते हैं, सभी के काम आने वाले होते हैं, भगवान पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं और किसी का दिल दुखाने से डरते हैं। तुला राशि एक भरोसेमंद राशि है, इस पर कोई भी व्यक्ति विश्वास कर सकता है क्योंकि ये किसी के साथ कभी बुरा नहीं करती है। लेकिन इस राशि के अंदर एक सबसे बड़ा गुण मान लो या अगुण मान लो, जिसके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं, जब ये क्रोध में या जिद पा जाती है तो उसका रावण जैसा रूप माना जाता है, और जब ये सेंस में होती है, सीरियस में होती है, तो इसका राम जैसा रूप हो जाता है। राम और रावण दोनों तुला राशि के अंदर देखने को मिलते हैं। वैसे तुला राशि का जो क्रोध है वो पानी के बुलबुले की तरह होता है, थोड़ी देर के लिए कड़वा बोल जाते हैं, बहुत बुरा बोल जाते हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं बोल पाते हैं, हृदय से किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, मुंह से कड़वा बोल लेते हैं। इसलिए तुला राशि के वालों का कभी भी आप बुरा ना माने, उन पर आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यायप्रिय इंसान होते हैं, तोल और सोच समझ कर ही फैसला करते हैं, अपना हो या पराया हो सभी के लिए बराबर की बात कहते हैं, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे सभी को साफ साफ जो कहना है मुंह पर कहते हैं, इसलिए सभी के बुरे बन जाते हैं। और ज्यादातर तुला राशि के दुश्मन गुप्त बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ये खरा बोलते हैं, सच बोलते हैं और अपने वादे पर अड़िग रहते हैं, लेन देन में अपना छोड़ देते हैं, दया दान पुण्य में बहुत ज्यादा ये अपनी रुचि रखते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन किसी की बेईमानी नहीं करते हैं, ये बहुत ही अच्छे साफ सुथरे चरित्र के माने जाते हैं। और तुला राशि वालों के अंदर एक क्वालिटी और पाई जाती है, यदि इनको लगता है कि अगला वाला व्यक्ति गलत है या ये बदनाम व्यक्ति है या ये गलत संगति है, तो ये खुद अपने आप उससे बचाव कर लेते हैं। सबसे अच्छा गुण इनके अंदर ये पाया जाता है, ये बहुत ज्यादा प्रेमी होते हैं और मिलनसार भी होते हैं। अच्छे लोगों से तालमेल बनाना, अच्छे लोगों के साथ रहना, इज्जतदार लोगों के साथ इनका व्यवहार अच्छा माना जाता है, गलत लोगों से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तुला राशि वालों को हमेशा शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना चाहिए, चाहे खीर बनाकर, चावल या पूरा, दही दूध, सफेद वस्त्र, चांदी मोती, ऐसी चीज दान कर सकते हैं, सफेद कोई भी चीज। और यदि आप कोई चाहते हैं कि आपको कोई भी कार्य बनना चाहिए, तो आप बृहस्पतिवार के दिन मुंह में सरसों के पीली सरसों के दाने डाल कर निकले और शुक्रवार के दिन खीर या दही खाकर निकले, तो ऐसा करने से आपके सभी कार्य बनेंगे और कोई भी कार्य आपका नहीं रुक पाएगा। तुला राशि के इष्ट देवता श्री गणेश भगवान होते हैं, माता लक्ष्मी होती है, वैसे शिव शंकर भगवान को भी मानते हैं और श्री हनुमान जी को भी मानते हैं। इष्ट देवता वही माने जाते हैं ज्यादातर, जिस पर हम या तुम विश्वास करते हैं, जिस भगवान में हमारी आराधना होती है, विश्वास होता है, इसलिए हम मन से इसे मानते हैं, जिसका हम दुख सुख में नाम लेते हैं वो ही इष्ट देवता माने जाते हैं। सत्य बात तो यही है, जहां जिस पर विश्वास है वही आपका इष्ट देवता है, वही आपका इष्ट है, ये सोच ले। और हमेशा एक ही भगवान को, एक ही भगवान की मन से पूजा करनी चाहिए। यदि आप रोज भगवान को बदलोगे, रोज गुरु को बदलोगे, तो आपको कभी भी भक्ति में या किसी भी देवी देवता से आपको जीवन में लाभ नहीं होगा। एक इष्ट बनाइए, कोई भी बनाइए, एक गुरु बनाइए, कोई भी बनाइए, क्योंकि एक जगह पत्थर पूजने होता है, ये सोच ले। ये तो मैंने तुला राशि के कुछ जीवन से जुड़ी हुई चीजें बताई हैं, ज्ञान की बातें बताई हैं, जो आपके जीवन में आती जाती रहेंगी और जरूरी भी होती हैं। अब मैं बताता हूं कि जो तुला राशि के लिए नया वर्ष 2023 है, ये आधा जो पहल का है ना शुरुआत, जो इस साल का आरंभ रहेगा, 6 महीने जो शुरू के रहेंगे, इनमें थोड़ा उतार चढ़ाव आपका चलेगा, थोड़ी परेशानी चलेगी, लेकिन 6 माह जो अंत के रहेंगे इस वर्ष के, वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेंगे। ग्रह इसमें सारे ही बदलाव करेंगे। सबसे बड़े बड़े ग्रह जो है वो राहु है, केतु है, शनि है और बृहस्पति है। इनकी लंबी आयु है, इसलिए ये तो मेन माने जाते हैं। ये बदलाव जब करेंगे तो इनसे आपके जीवन पर कहीं शुभ कहीं अशुभ प्रभाव पड़ेगा। बाकी सभी अन्य चंद्र हो, सूर्य हो, मंगल हो, बुध हो या शुक्र हो, ये भी सभी अपने अपने समय पर बदलाव करेंगे, जगह का परिवर्तन करेंगे। लेकिन खासकर मैं आपको बता दूं, नया वर्ष 2023 के अनुसार शनिदेव महाराज तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ज्यादा योग कारक रहेंगे। नए वर्ष 2023 में योग कारक ग्रह शनिदेव महाराज तुला राशि के चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, यानी कि मकर राशि में विराजमान रहेंगे। लेकिन 17 जनवरी 2023 को शनिदेव तुला राशि के पंचम भाव यानी पंचम राशि कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, तब शनिदेव महाराज तुला राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। और इसी के साथ साथ तुला राशि वालों की राशि पर से शनि की ढैया भी हट जाएगी 17 जनवरी 2023 को। बृहस्पति देव
नए वर्ष 2023 की शुरुआत में तुला राशि के छठे भाव मीन राशि में रहेंगे। जब तक बृहस्पति महाराज मीन राशि में रहेंगे, जब तक तुला राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आएंगी, रोजगार को लेकर परेशानी आएंगी, धन से जुड़ी परेशानी आएंगी, मान सम्मान से जुड़ी परेशानी आएंगी और बहुत ज्यादा धन का खर्च होगा, पैसे को लेकर तंगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति देव तुला राशि के सप्तम स्थान सातवें भाव मेष राशि में, सातवीं राशि मेष राशि में परिवर्तन गोचर कर जाएंगे, तब तुला राशि वालों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। फिर तुला राशि वालों के जीवन में बृहस्पति देव बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, इनके मान सम्मान में बहुत ज्यादा सम्मान बढ़ाएंगे, धन की बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पुराने रोग शरीर से खत्म हो जाएंगे और धन का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, व्यापार में खूब उन्नति होगी, खूब सफलता मिलेगी, चारों तरफ से धन की बरसात होगी, सभी बिगड़े रुके हुए कार्य बनेंगे, मुकदमे में विजय प्राप्त होगी, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी और जो आपके गुरु हैं, पिता हैं या परिवार के सदस्य हैं, उनसे यदि आपका मनमुटाव चल रहा था, उनके मन में आपके कोई आपके प्रति कोई घृणा चल रही थी तो वो भी दूर हो जाएंगे, रिश्ते मधुर बनेंगे, पति पत्नी के जो संबंध है जो उनमें खटास चल रही थी किसी बात को लेकर वो भी दूर हो जाएंगे और प्रेम संबंधों में भी बहुत ज्यादा मजबूती आएगी। हो सकता है कि तुला राशि वाले जो प्रेम करते हैं वो अपने लव पार्टनर के साथ शादी के बंधन में भी इस वर्ष 22 अप्रैल 2023 के बाद बन सकते हैं, एक हो सकते हैं। लेकिन जब बृहस्पति महाराज राहु ग्रह के साथ युति करेंगे तब मई मास में गुरु बृहस्पति महाराज राहु के साथ मई मास में गुरु चंडाल दोष का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेंगे, तब तुला राशि के जीवन में थोड़ा दंपत्य जीवन में दुखों का सामना करना पड़ेगा, रोजगार में थोड़ी परेशानी आएंगी, स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती है और थोड़ा सा मानसिक तनाव भी आपको परेशान कर सकता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी और आपके समय में एक नया बदलाव सा देखने को मिलेगा, आर्थिक स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। उसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर मीन राशि में यानी तुला राशि के छठे भाव में होगा, तब आपके लिए ग्रह गोचर बहुत ही शुभ रहेगा और प्रभावशाली रहेगा। राहु ग्रह का मीन राशि में गोचर करना तुला राशि के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगा, विरोधियों पर विजय मिलेगी, कोर्ट कचहरी मुकदमे में विजय प्राप्त होगी, शत्रु परास्त हो जाएंगे, गुप्त शत्रु आपके सामने हार मान लेंगे, शत्रु लाख प्रयास करेंगे आपका नुकसान करने के लिए, आपको हानि पहुंचाने के लिए, लेकिन आपका वो बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, शत्रुओं का जड़ से दमन हो जाएगा। इस समय में आपका राहु का गोचर मीन राशि में करने के बाद आपको कहीं विदेश यात्रा या कोई धार्मिक यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभप्रद सिद्ध होगी। इसी के साथ साथ यहां पर सूर्य मंगल बुध यहां से ये ग्रह भी 2023 में जगह का परिवर्तन करना शुरू करेंगे और कुछ पहले कर जाएंगे। मित्रों, इस तरीका से ग्रह तुला राशि के नए वर्ष 2023 में इस तरीका से ग्रह परिवर्तन करेंगे जो आपको समय समय पर शुभ और अशुभ फल देते रहेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए नया वर्ष 2023 बहुत ही ज्यादा लाभप्रद सिद्ध रहने वाला है। इसमें यदि प्रेम संबंधों की बात करी जाए तो नए प्रेम संबंध भी जिनके नहीं बने हैं उनके बन सकते हैं, जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं वे नए शादी के योग में बन सकते हैं, शादी के बंधन में बन सकते हैं, जिनके संतान नहीं हुई है उन्हें संतान का योग प्राप्त होगा और जो संतान जिनकी है और वो संतान किसी कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रही है सफल होने के लिए तो उसको उसमें सफलता मिलेगी। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को राजनीति में भी विजय प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को थोड़े परिश्रम करने से ही जीवन में लाभ होगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन उनको मिल पाएगा। कृषि भूमि काले पशुओं से जुड़े व्यक्तियों को समय समय पर धन का लाभ होता रहेगा। लोहा चमड़े के व्यापारियों को, थोक विक्रेताओं को, फूल फल सब्जियों के विक्रेताओं को, सुगंधित व्यवसाय करने वालों को भी खूब लाभ होता रहेगा। लॉटरी कमीशन सट्टा बाजार में भी खूब आमदनी होगी, खूब पैसा बढ़ेगा, खूब मिलेगा। लेखन प्रकाशन गीत संगीत गायन वादन से
एवं खेल कूद व्यायाम से जुड़े व्यक्तियों को भी खूब मान सम्मान मिलेगा, खूब धन की बढ़ोतरी होगी। देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे। जो व्यक्ति नई नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं उनको नई नौकरी मन अनुसार मिल सकती है, आशा अनुसार मिल सकती है, और जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, और जहां वो नई जगह परिवर्तन करना चाहते हैं वहां भी उनको लाभ मिलेगा और नई जगह का परिवर्तन भी करना पड़ेगा। गाड़ी वाहन संपत्ति जमीन जायदाद खरीदने के भी योग बन रहे हैं। घर में मंगल कार्य होंगे, गीत संगीत सहनाइयां खूब बाजेंगी। और इतना ही नहीं, तुला राशि के जातक जातिकाएं राष्ट्र और समाज से जुड़े हुए कार्य भी करेंगे। मंदिर धर्मशाला गौशाला में दान पुण्य पूजा पाठ सिद्धि साधना भंडारा या जागरण वगैरह इनसे भी जुड़े रहेंगे और समय समय पर दान पुण्य करके अपने मन को शांति प्राप्त करते रहेंगे और एक योगदान समाज में करते हुए अलग नजर आएंगे। तुला राशि वालों के कार्य देखकर समाज में खूब चर्चाएं होंगी और कई जगह इनको खूब मान सम्मान मिलेगा। तुला राशि के जातक जातिकाओं को धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुला राशि के कमाई से ज्यादा खर्चा बहुत ज्यादा रहेंगे, यानी पैसा जितना आएगा उससे ज्यादा आपका खर्च बढ़ेगा, यानी कि आप उस पैसे से नए कार्य करेंगे। यदि आपका कोई पुराना कार्य है जिसे आप करते हुए आ रहे हैं उस कार्य को आप और ऊंचा ले जाएंगे और अच्छी तरह से उसे अच्छे लेवल पर ले जाएंगे, अच्छी तरह से उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसे और बड़ा करेंगे, तो वो धन आपका गलत जगह तो नहीं लगेगा, अच्छी जगह लगेगा, लेकिन वो पैसा रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि उस पैसे को आप समय समय पर अच्छी जगह लगाते रहेंगे। लेकिन कोई स्त्री आपके जीवन में ऐसी जुड़ी हुई है जो आपके लिए बहुत ही लकी है, बहुत ही आपके लिए गुड लक है, लेकिन वहां कुछ शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, आपकी विजय से आपकी सफलता से वो खुश नहीं रह पाएंगे, वो आपको बदनाम भी करेंगे, आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे, नीचे भी गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी ग्रह आपके फेवर में है। आप पर अपनी करुणा और आशीर्वाद बनाकर इस वर्ष में नए वर्ष 2023 में बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर तुला राशि के जातक जातिकाओं को गलत संगति से शराब सिगरेट तंबाकू से दूर रहना चाहिए और बाजार के तले भुने पकवान बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। इतना हो सके नियमित व्यायाम करें और समय समय पर भाग दौड़ के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और आलस्य क्रोध जिद अभिमान और अहंकार को अपने पर भूलकर भी हावी मत होने देना। अपने कार्य को समय पर यदि आप करते रहे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए नया वर्ष 2023 है ये बहुत ही फलदायी सिद्ध होने वाला है। जो तुला राशि के जातक जातिकाएं सही लगन से सही मेहनत से अपना कार्य करते रहे तो ये बहुत आगे तक इस वर्ष में पहुंच सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों को अपनी सफलताओं को शिखर पर ले जा सकते हैं। आप अपने अंदर कोई भी गलत आचरण या कोई भी गलत संगति या कोई भी किसी व्यक्ति का गलत प्रभाव अपने पर हावी मत होने देना, किसी भी गलत विचार को मन में मत आने देना, इसी से आप बचे रहना। बाकी आपके लिए सारे वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है और मैं आशा करता हूं कि आपका ये वर्ष खुशी रहे, प्रसन्न रहे, सभी आपके परिवार वाले प्रसन्न रहे। तो साथियों, ये ही आज का बिल्कुल सटीक और जरूरी टॉपिक था जो आपको हमने बताया है। यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।